हेलो शिक्षा सिटी फैमिली, मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं, वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ कोर्सेज़ मैंने कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पर प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखें। वो आपके एग्जाम्स के लिए, इवन अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज के भी लिंक दे दूंगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज में हों, चाहे अदर कोर्सेज के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपको आता है तो ये फ़ायदा ही करेगा। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नोटों के, उनके रंग पे और उन पर छपे चित्र पे, जो कि आपको बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहला हम लेंगे 10 रुपये का नोट, जो कि आपके स्क्रीन पर है, ठीक है? तो 10 रुपये नोट की इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो वो चॉकलेट ब्राउन कलर का, ध्यान रखिएगा किस कलर का है, रंग आपको अगर पूछता है तो चॉकलेट ब्राउन कलर का, और उस पर चित्र कौन सा अंकित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपको पता होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा राज्य के पुरी में पड़ता है, आप सारे लोगों को पता होगा। और इसको बनाया किसने है, तो नरसिंह देव, ध्यान रखिएगा नरसिंह देव जी ने इसे बनवाया है, और भारत का ये इकलौता सूर्य मंदिर है जो पूरी दुनिया में फेमस है, तो सारे लोगों को पता होगा। तो ध्यान रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के पूरी क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, और जो 10 के नोट पर अंकित चित्र है। तो अगर आपको पूछता है कि 10 रुपये के नोट पे कौन सा अंकित चित्र है, तो वो है कोणार्क सूर्य मंदिर। और कलर कौन सा है 10 के नोट का, तो सारे लोगों को पता होगा चॉकलेट ब्राउन। नेक्स्ट नोट ले लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 50 रुपये, ठीक है? 50 रुपये भी इंपॉर्टेंट है, तो 50 रुपये का कलर कौन सा है, तो फ्लोरेसेंट ब्लू। देखिए कलर आपको यही देगा, ये मत सोचिएगा कि आपको नीला कलर देगा, रंग आपको यही लिखेगा फ्लोरेसेंट ब्लू। जो 50 रुपये की नोट है वो किस कलर की है, तो वो है फ्लोरेसेंट ब्लू। और उस पर बना क्या है, तो हम्पी का पत्थर से बना रथ, हम्पी का जो पत्थर से बना रथ है वही बना है आपका 50 रुपये की नोट पर। और ये भी इंपॉर्टेंट, और हम्पी पड़ता कहाँ है, तो कर्नाटका में, ध्यान रखिएगा कर्नाटक में नगर आपका हम्पी पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट। और जो किस नोट के ऊपर अंकित है, तो ये 50 रुपये के नोट आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम्पी का जो बनारथ है वो आपके सामने है, स्क्रीन पे है, और ये 50 रुपये के नोट पर छपा हुआ चित्र है आपका, जो कि हम्पी के पत्थर से बनारथ है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका 100 रुपये, 100 रुपये भी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा, ये जो 100 रुपये है सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा गया इसी 100 रुपये के नोट पे। तो 100 रुपये के नोट का कलर कौन सा है, तो लेवेंडर कलर, आप स्क्रीन पे देखिए लेवेंडर कलर है आपका यहाँ पे, ठीक है? और इस पे बना क्या, तो इस पे बनी है रानी की वाव, इंपॉर्टेंट है रानी की जो वाव है वो आपका गुजरात, जो गुजरात राज्य है उसके पाटण में स्थित है। इसको बावड़ी यानी एक जो आपका सीढ़ीदार कुआं होता है, अगर आपने पीके मूवी देखी होगी तो वहाँ पे देखिए वो बावड़ी पे जाके बैठ जाता है, जो कि एक सीढ़ीदार कुआं है। और इसको RBI ने जो 2018 में 100 के नोट पे चित्रित किया है, और ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी सम्मिलित किया गया था, ध्यान रखिएगा 2014 है उसमें यूनेस्को द्वारा ये विश्व विरासत स्थल में भी सम्मिलित किया गया था। इस पे बना क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पूछी जाएगी, तो वो है रानी की वाव, जो कहां पड़ता है, तो वो भारत के गुजरात, ध्यान रखिएगा भारत के गुजरात जिले के पाटण में स्थित है। और 100 रुपये के नोट पे अंकित जो है ये देखिए रानी की वाव, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही है जिसको बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 200 रुपये के नोट, इसका कलर क्या है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ब्राइट येलो, इसका कलर क्या है, तो यही लिख के आएगा आपको ब्राइट येलो। और इस पे बना क्या है, तो इस पे बना है सांची का स्तूप, इस पे क्या बना है, तो ये बना है सांची का स्तूप, जो कि इंपॉर्टेंट। और ये सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो सारे लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो है आपका मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, जो 200 रुपये की नोट होगी उस पे क्या बना है, तो उस पे बना है सांची का स्तूप। और ये चीज़ें मैं आपको जो इसका PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, तो आप जाके सिंपली वहां पे देख लीजिएगा, उठा लीजिएगा वहां से, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों आपकी 500 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट देखिए, 500 रुपये के नोट का कलर क्या है, तो स्टोन ग्रे। इसका कलर क्या होगा, तो वो कलर होगा स्टोन ग्रे, जिस पे चिन्हित क्या होगा, तो लाल किला। जिस पे चिन्हित क्या है, तो लाल किला। और लाल किला शायद लोगों को पता है कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली में जो लाल किला है वही चिन्हित है आपके जो 500 रुपये के नोट है उस पे, 500 रुपये के नोट पे लाल किला है, जिसका कलर होगा स्टोन ग्रे। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपको। नेक्स्ट दोस्तों 2000 रुपये के नोट, 2000 रुपये के नोट भी इंपॉर्टेंट है। इसका कलर क्या है, तो मैजेंटा कलर, ध्यान रखिएगा मैजेंटा कलर। इसका कलर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और जो कलर आपको पूछेगा तो नाम यही देखने को मिलेगा आपको, मैजेंटा ही देखने को मिलेगा। और इस पर अंकित क्या है, इस पर चित्रित जो चित्र है वो किसका है, तो वो है मंगलयान का। ध्यान रखिएगा मंगलयान जो है ना, भारत का प्रथम मंगल अभियान है, और इसी के चित्र बनी है हमारे 2000 रुपये के नोट के, जो कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो इसरो। इसरो के बारे में आपको पहले भी बताया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बैंगलोर कर्नाटका में, उसी के द्वारा ये मिशन था। और इसको लॉन्च किया गया था, जहाँ से छोड़ा गया था वो जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश भवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से इसको छोड़ा गया था। और ये भारत का पहला मंगल अभियान है, जो कि 2000 के नोट पे अंकित है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछता है तो आप भूल जाते हैं, तो क्या है 2000 के नोट पर अंकित, तो वो है आपका मंगलयान। और ये जितने ही क्वेश्चंस मैंने कराया दोस्तों, ये सारे के सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनके बाहर से आपको तो कोई नोट ही नहीं तो पूछेगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये छोटे वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत काम के होते हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पेशल वीडियो के साथ, किसी और स्पेशल टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।